नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं अंशु भारद्वाज। एटीएन के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2020 जा चुका है और नया साल 2021 आ चुका है। यूं तो बीतने वाला साल सबसे अधिक कोरोना की वजह से जाना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो 2020 को सबसे अलग और यादगार बनाती हैं। कुछ पल ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें चौंकाया, समझाया, दिखाया। आखिर ये क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए 2020 की कुछ खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं राजनीति की दुनिया में हमने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि डबल डिप्यूटी सीएम वाली सरकार बनी है। 2020 में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के नेता रघुवंश बाबू का जाना राजनीति से एक प्रतीक के जाने की तरह था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी ने 75 सीटों पर अकेले जीत हासिल की थी, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था। बिहार में पहली बार युवा महिला पुष्पम प्रिया सीएम की रेस में थी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह भी हमसे जुदा हो गए। साथ ही बिहार के मंत्री कपिल देव कामत का भी कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। इस्लामिक स्कॉलर के रूप में अपना मुकाम बनाने वाले हजरत मौलाना सैयद शाह हलाल अहमद कादरी का भी निधन हो गया। कादरी बिहार मदरसा बोर्ड और बिहार हज कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। तो वहीं राजनीति में उठा पटक के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान आरसीपी सिंह को सौंप दी है। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत से। 2020 में कई ऐसे सितारे हमें अलविदा कह गए जो हमारी फिल्मी दुनिया के शान थे। आइए हम उन सितारों को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। 2020 में हमने महान कलाकार ऋषि कपूर, इरफान खान और बिहार के युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को खोया, तो वहीं महान कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी हमें अलविदा कह दिया। तो वहीं दूसरी तरफ महान गायक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता एसपी बाला सुब्रमण्यम की कोरोना महामारी से मौत हो गई। साथ ही फिल्म और टेलीविजन अभिनेता आसिफ बसरा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महान संगीतकार वाजिद खान भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो वहीं मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। वहीं दूसरी तरफ पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दो हजार बीस में और भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी। आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। 2020 में देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ब्रेन हेमरेज होने के कारण 31 अगस्त को निधन हो गया। तो वहीं अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना की भी मृत्यु हो गई। साथ ही मसालों की दुनिया के बादशाह महाशय धर्मपाल गुलाटी का भी 3 दिसंबर को निधन हो गया। कुछ और भी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने हमारा 2020 में साथ छोड़ा, जिनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान समूह के संस्थापक और महानिदेशक प्रोफेसर उत्तम कुमार सिंह का 25 जुलाई को निधन हो गया था। बता दें कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में बिहार में 2 बड़े काम भी हुए हैं जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। इनमें पहला है गांधी सेतु का निर्माण, जिसका सुपर स्ट्रक्चर 5.5 किलोमीटर लंबा स्टील का बनाया गया है। साथ ही पटना गया के बाद दरभंगा से भी फ्लाइट सेवा शुरू की गई। दरभंगा एयरपोर्ट बिहार राज्य का 3रा एयरपोर्ट है। यूं तो कोरोना महामारी आधुनिक मानव जाति के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनकर 2020 में सामने आई, लेकिन इस आपदा के दौरान जाने अनजाने हमारे आसपास बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी हुए। इस दौरान जब प्रदूषण घटा तो सीतामढ़ी से 194 किलोमीटर दूर पहली बार लोगों ने कैमरे की मदद से अपनी आँखों से हिमालय को देखा। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी 2020 के कोरोना काल में बिहार में चुनाव संपन्न कराया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। हम आशा करते हैं कि नया वर्ष सभी मानव जाति के लिए नई उत्साह, नया उमंग देगा, जिसके सहारे हमारा प्रदेश, देश और ये विश्व एक नए इतिहास को रचेगा। तो ये थी 2020 की कुछ खास झलकियां। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।